Assalamualaikum everyone, I hope सब ठीक ठाक से होंगे। So guys, welcome back to the new video with new amazing topic. So welcome back to my channel. तो guys, आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही हासिलने वाली है, जो कि स्पेशली यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए, जो क्रिएटर्स है मेरी तरह, जो कि वीडियोज़ बनाते हैं और अपलोड करते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली उन क्रिएटर्स के लिए जो भी न्यू स्टार्ट की है या जर्नी उन्होंने स्टार्ट की है, तो आपको मैं बताता चलूँ कि YouTube किस तरह स्टार्ट करना है या इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। इसकी आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको सीरीज़ चाहिए तो इसकी सीरीज़ में बनाऊँगा, किस तरह से आपने ग्रो करना है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप मैं कुछ बेसिक टिप्स देता हूँ, आपको टिप्स ट्रिक्स देता हूँ जिसका आपको ग्रो करने में मदद देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से शेयर करें ताकि उनको भी ग्रो करने में आसानी हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक नंबर वन, ठीक है। आपने करना है कि आपने चैनल जो भी अपने जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपने वो वाला चैनल चूज़ करना है, ठीक है। इंटरेस्ट के मुताबिक आप जब चैनल चूज़ करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएटर्स का मसला ये होता है कि वो आइडियाज़ कहाँ से ले आपको, मतलब आइडियाज़ आपको जब आप एक दो वीडियो पहले तो आप बड़े शौक से बनाते हैं, तो देन आप कहते हैं कि अब हम कौन से वीडियो बनाए तो कौन से नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये, तो ये मसला तब भी आपका हल होगा जब आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने चैनल, जिस तरह ये मेरा इंटरेस्ट है टेक के अबाउट, तो मैंने इंटरेस्ट के मुताबिक ये बना लिया, तो इसी तरह आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बनाए, ठीक है। तो अब अगर आपने बना लिया तो अगर आप वीडियोज़ एक दो तीन अपलोड कर लेते अब आपके पास आइडियाज़ नहीं है। आइडियाज़ मैं बताने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो वो काफ़ी मैंने काफ़ी देर पहले बनाई थी, तो आप मेरे चैनल पर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो एक वो है, या मैं अभी भी आप बता देता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में जाने के बाद सिंपल अपने इधर ये नीचे एक विडाई क्यू नाम का मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन है, ठीक है। इधर अपने वेब स्टोर लिखना है, ये वेब स्टोर आ गया, तो ये इधर विडाई क्यू आप सर्च करेंगे ना तो वो आ जाएगा सबसे पहले। तो अपने वो वाला एक्सटेंशन अपने सेव कर लेना, इधर मैं लिखता हूँ, ये देख ले विडाई क्यू आ गया, ठीक है। ये सबसे पहले एडिड है, ये देख ले मैंने ऐड किया हुआ, बेस्ट है ये, यूट्यूब पे आपको हेल्प करने में मदद देता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस टेम्पलेट किस तरह लेना है, ठीक है, अपने चाहे आइडियाज़ किस तरह लेनी है। ये सिंपल अपने इधर डैशबोर्ड पे आना है, तो डैशबोर्ड पे आने के बाद सिंपल अपने इधर ये थोड़ा सा नीचे आप सर्च करेंगे ना, ये डेली आइडियाज़ आया, डेली आइडियाज़ पे क्लिक करेंगे, ये विडाई क्यू खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चैनल के आपके बूस्ट करने में, आपकी एसईओ करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है। तो अब ये देखे मैंने हाउ टू पे लिखा हुआ है, इसने ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये हाई ले, ये देखे लिखा हुआ है हाई, तो ये देख ले हाई है, वेरी हाई है, ये भी हाई है, और हाई ये देखिए इधर कोई वीडियो इसकी है। तो इसने जो अपने से टॉपिक दिए वो देखिए, ये हाउ टू डाउनलोड रोस्टर, ये इसमें आप बना सकते हैं जो कि वेरी हाई पे जा रहे हैं और कुछ हाई पे हैं और कुछ मीडियम पे, ठीक है। तो ये इधर से आप अनलिमिटेड टॉपिक्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला मसला हमारा हुआ हाल टॉपिक्स का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अपने किस तरह अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने, ठीक है। मुझे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में तकरीबन 1 ईयर लगा था, ठीक है। 1 ईयर किस तरह लगा था और किस तरह मैंने किया, तो अब मैं जाता हूँ अपने एनालिटिक्स पे, ठीक है। एनालिटिक्स पे जाने के बाद, ठीक है, अपने सिंपल थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, तो इधर ये कॉन्टेंट पे आया पाएंगे ना, इधर ये देखिए वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स, ठीक है। इधर मैं आपको ये बताता हूँ कीवर्ड इंस्पेक्टेटर, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी वीडियो पे ऑडियंस कहाँ से मेरी वीडियो पे आ रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं ऑडियंस मेरी आ रही है, ये देखिए मेरी न्यूज़ आ रही है, ऑडियंस आ रही है, और कंटेंट पे जाएं तो ओवरव्यू या कंटेंट में हूँ, ये टॉप सर्च पे है और ये कंटेंट, ठीक है। इधर ये मेरी वीडियोस सारे यूट्यूब सर्च से आ रही हैं, ठीक है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें 79% मेरी ट्रैफिक है जो कि यूट्यूब सर्च से आ रही है, वो किस तरह मैं अब आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई एक्सटर्नल वगैरह बाकी सारे ये फंक्शन है, ठीक है। इधर आपके ना जो आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है ना, ठीक है, आपकी जब एक वीडियो वायरल होती है देन आप उसी के ना आपके कीवर्ड सर्च करें, ठीक है। वो आप ज़्यादा आसानी किस में होगी, जब आप फ़ोन में ओपन करेंगे ना तो आपकी कीवर्ड वो वहाँ पर ज़्यादा रिसर्च पे जो कीवर्ड्स होंगे ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर शायद शो ऑन,
किसी में मेरे हाल में वो शो नहीं होते कीवर्ड जो ज़्यादा आपके रैंक करते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स मेरे हाल वो नहीं शोर करते, वो जब आप सर्च करेंगे ना अपने फ़ोन में, फ़ोन के यूट्यूब स्टूडियो में, वो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। अब आप ऑडियंस पे आते हैं, ठीक है। ऑडियंस पे ये देख रहे हैं मेरी इजाज़त से, इधर आपको सर्च पता चल जाता है कि इधर आपको पता चल जाता है कि आप किस एज के बंदे आपके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। और टिप नंबर टू ये है कि आपने रेगुलरली वीडियो अपलोड करनी है। रेगुलर नहीं तो आपने तकरीबन आपका टाइम अपना रख लेना एक दिन बाद या दो दिन बाद। जब आप रेगुलरली वीडियो डालोगे ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो खुद यूट्यूब पकड़ेगा। वो जब आप चैनल क्रिएट करते हैं ना तो यूट्यूब खुद हर क्रिएटर्स पे नज़र रखता है, ये कितनी देर वीडियो डालता है, कितनी देर वीडियो नहीं डालता और कब वीडियो डालता है और ये रेगुलरली वीडियो डालता है कि नहीं, ठीक है। मेरी तकरीबन अभी तो मेरी तकरीबन 125 या 26 वीडियो होगी, तकरीबन मैंने 50 या 60 वीडियोस डालनी थी, देन जाके एक वीडियो वायरल होती, देन जाके अब थोड़ा सा मेरी वीडियो ग्रो, चैनल ग्रो हो रहा है। अभी भी ग्रो नहीं हो रहा, तकरीबन थोड़ा तो ग्रो हो रहा है, क्योंकि रेगुलरली वीडियोज़ डालने का मसला ये होता है, मतलब ये ही होता है कि आपकी वीडियोस ग्रो हो, आपके चैनल ग्रो हो, जिसकी वजह से आप करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गया, तो आप सोच रहे होंगे किस टाइप वीडियो अपलोड करें और किस टाइप नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इधर ये पैराग्राफ आ जाना है, ऑडियोज आने के बाद सिंपली ये आपका पैराग्राफ दे देता है, आपके जो सिटी है ये जिस सिटी में आप रहते हैं, ठीक है, इधर ये दे सकते हैं। तो इधर ये मेरी टॉप जियोग्राफी इंडिया की है, इंडिया में ज़्यादातर बंदे देखते हैं, तो इंडिया में मेरे ज़्यादातर रेगुलर एक्टिव बंदे होते हैं 6 बजे, ठीक है। अभी आप ग्राफ दे सकते हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो इधर से हाईलाइट नहीं है ज़्यादा, जिस तरह ज़्यादा हाईलाइट होते हैं ना उधर आपके बंदे ज़्यादा रेगुलर एक्टिव होते हैं। मेरे सुबह के 6 बजे बंदे रेगुलर एक्टिव नहीं होते या ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, 6 बजे के बाद मेरे बंदे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो देन आप इधर से आप अपने यूट्यूब स्टूडियो में आएँ, आप 20-30 वीडियोज़ अपलोड करेंगे, देन आपका ये पैराग्राफ शो होगा, देन उसी के मुताबिक आप वीडियो अपलोड करें, ठीक है। और चैनल आप अच्छा सा क्रिएट करें और वीडियोस की कुछ चैनल की सेटिंग्स करनी है, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा, नेक्स्ट चैप्टर में रखूँगा, किस तरह चैनल बनाते हैं, इसकी क्या आपको करनी चाहिए सेटिंग्स वगैरह, वो मैं आपको सब उसमें बताऊँगा, ठीक है। तो अपने इस तरह थोड़े स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मुश्किल होगा, आपको स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करेंगे तो आपको व्यूज़ नहीं आएंगे, तो आपको तो इसी तरह से आप वीडियोस अपनी रेगुलर बनाएं और आपको तब मज़ा आएगा जब अपनी वीडियो, जब आपकी वीडियो वायरल होगी, ठीक है गाइस। तो यही हमारी आज की वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, एंड मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड अपना ख्याल रखें।